एक बार नगर में कई चोरियां हो रही थीं। चोर कब चोरी कर लेता पता ही नहीं चलता। परेशान लोग शहंशाह के दरबार में शिकायत लेके जाते। शहंशाह के सिपाही आसपास के नगर तक उस चोर की छानबीन करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक हीरे के व्यापारी के यहाँ भी चोरी हो जाती है। उस व्यापारी की शिकायत सुनने के बाद मंत्री बीरबल व्यापारी के घर की दीवार की ओर जाकर देखते हैं। वे वहां चोर के कदमों के निशान पाते हैं, मतलब चोर यहां से रस्सी द्वारा भागा है। सिपाही भी बीरबल जी को बताते हैं कि कल रात से कोई भी इंसान नगर से बाहर नहीं गया है। इसका मतलब वो चोर इस नगर का ही है। मंत्री बीरबल सिपाही से कहते हैं, नगर के सारे युवाओं को महल में लेकर आओ, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। फिर सिपाही महल में नगर के सारे युवाओं को लेकर आ जाते हैं। यह एक अद्भुत दवा है। इस अद्भुत दवा को पीने के बाद इंसान सब सच बोलने लग जाता है। मालिक, हम तो बाहर के हैं, मैं सब्जी बेचता हूँ और मैं फल बेचता हूँ। यह दवा सभी को पीनी है, भले ही वह बाहर का क्यों ना हो। दवा पिलाने के पहले आप लोगों से दो सवाल पूछे जाएंगे, उन सवाल के जवाब दवा पीने के पहले और दवा पीने के बाद एक जैसे होने चाहिए। अगर दवा पीने के बाद जवाब में कोई भी अंतर आया उसे कठोर सजा दी जाएगी, इसलिए केवल सच बोलना। पहले सब्जी वाला आता है, तुमने चोरी की है और तुमने कोई गलत काम किया है। मैंने कोई चोरी नहीं की, बस पुरानी सब्जियां ताजी कहकर बेचता हूँ। दवा पीने के बाद वह सब्जी वाला वही बोलता है जो उसने पहले भी बोला था, तुम जा सकते हो। फिर फल वाला आता है, तुमने चोरी की है और तुमने कोई गलत काम किया है। मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही कोई गलत काम किया है। दवा पीने के बाद मैं एक बगीचे से फल चोरी करके बेचता हूँ। सिपाहियों, इसे पकड़ लो, इसे कठोर सजा दी जाएगी। यह सब देखकर शहंशाह और वहां उपस्थित सभी को आश्चर्य होने लगता है। फिर दवा पीने की बारी उस चोर की आती है। दवा पिलाने के पहले मंत्री बीरबल भी उससे वही सवाल पूछते हैं, क्या तुमने कोई चोरी की है और तुमने कोई गलत काम किया है। दवा का ऐसा असर देखकर चोर घबरा जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वह अपना गुनाह कबूल करते हुए कहता है, सारी चोरियां मैंने ही की थी। सिपाहियों, इसे ले जाओ, अब इसे दवा पिलाने की जरूरत नहीं। उस चोर के पकड़े जाने के बाद शहंशाह अकबर बड़े खुश होते हैं और मंत्री बीरबल से कहते हैं, उस दवा ने तो सच में चोर को ढूंढ निकाला। उस दवा को किसने बनाया था बीरबल? हुजूर, उस दवा को मैंने ही बनाया था जो कि नकली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हुजूर, मैंने देखा कि व्यापारी की दीवार के पास चोर के कदमों के निशान थे। इससे पता चलता है कि इतनी ऊंची दीवार पर कोई युवा ही चढ़ सकता है। और वो जो दवा पीकर सच बोल रहे थे? हुजूर, वे सब हमारे ही आदमी थे, जिससे चोर को यकीन हो जाए कि दवा सच में काम करती है। मान गए बीरबल तुम्हारी चतुराई को। नगर के बाजार में सब्जी वाला और फल वाला झगड़ा कर रहे होते हैं। सिपाही उन्हें देखकर उन्हें शहंशाह के दरबार में पेश करते हैं। जहाँ पना ये सिक्कों से भरी थैली मेरी है। मैं जब इसके यहाँ से सब्जी खरीदकर घर पहुँचा तो ध्यान आया कि मेरी सिक्कों से भरी थैली वहीं छूट गई है, जिसे ये अब अपना बता रहा है। सब्जी वाला कहता है, नहीं हुजूर, ये थैली मेरी है। मंत्री बीरबल कहते हैं, तुम दोनों कितने समय से व्यापार कर रहे हो? दोनों ही 3 वर्ष बोलते हैं। फिर मंत्री बीरबल पूछते हैं, अगर ये थैली तुम्हारी है तो बताओ इसमें सिक्के कितने हैं? इसमें करीब 100 से 120 सिक्के होंगे। तुम बताओ मंत्री जी, इसमें पूरे 115 सिक्के हैं। जब उन सिक्कों की गणना की जाती है तो उस थैली से 115 सिक्के ही मिलते हैं। मंत्री बीरबल कहते हैं, इस थैली को अभी महल में जमा किया जाता है। तुम दोनों अभी जाओ, कल पुनः शाम को इसी वक्त व्यापार खत्म करके वापस आना, तब फैसला होगा कि ये सिक्कों से भरी थैली किसकी है। अगले दिन दोनों अपना अपना व्यापार करने लगते हैं और शाम होने पर वे दोनों महल में उपस्थित हो जाते हैं। अब बताओ तुमने आज कितने सिक्के कमाए? महल आने की हड़बड़ी में आज सिक्के नहीं गिन पाया। मंत्री बीरबल उस सब्जी वाले के सिक्कों को गिनते हैं, वे 50 सिक्के होते हैं। तुम बताओ आज तुमने कितने सिक्के कमाए? मेरी थैली में करीब 100 से 120 सिक्के होंगे। बीरबल जी उन सिक्कों की गणना करते हैं, थैली में 110 सिक्के मिलते हैं। हुजूर, जिस थैली की वजह से विवाद हो रहा था वह थैली इस फल वाले की है। तुम कैसे कह सकते हो बीरबल? जब मैंने इस सब्जी वाले से कल पूछा कि थैली में सिक्के कितने हैं, तब इसने 115 सिक्के बोला, जो कि सही था, लेकिन आज वह नहीं बता पाया। जब दोनों को व्यापार चलाते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं तो व्यापारियों को अंदाजा हो जाता है कि वह दिन भर में लगभग कितने सिक्के कमा लेंगे, जो केवल इस फल वाले ने सही अनुमान बताया। जब फल वाला अपनी थैली भूल गया था तब इस सब्जी वाले ने उसकी थैली के सिक्के गिन लिए थे। इसका मतलब सब्जी वाला झूठ बोल रहा है।